फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद ममता। दोस्तों, मैं आज आपके साथ पनीर की एकदम अलग और यूनिक कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद स्वादिष्ट बनती है। तो आप एक बार इस तरीके से इन कोफ्तों को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ ये 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच मैदा और एक चुटकी बेकिंग सोडा ले रही हूँ। इन दोनों को मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब मैं कोफ्ते बनाऊँगी। कोफ्ते बनाने के लिए मैं यहाँ पर पनीर को थोड़ा सा हाथों पे ले रही हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर ये दो किशमिश डाल दे रही हूँ और फिर इनको हम कवर करते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी कोफ्तों को तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें एक एक करके इन कोफ्तों को डालूँगी और इनको हल्का सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये सुनहरे हो गए हैं तो अब हम इनको तेल से बाहर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये दो प्याज लिया हुआ है, इनको मैं रफली चॉप कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में ये एक गिलास पानी लिया हुआ है, जिनको कि मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पर ये जो प्याज को कट किया था उनको मैं इसमें डाल दूँगी और इसी के साथ मैं यहाँ पर ये 10 से 12 पीस ये काजू ले रही हूँ, इन काजू को भी मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद इन दोनों को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये अब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इनको मैं ये स्ट्रेनर में छान लूंगी और इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा करने के बाद पीस कर पेस्ट बना लेंगे। मैंने वापस उसी पैन को गर्म कर लिया है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं ये 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 फुल लौंग और यहाँ पर मैं 1 टुकड़ा दालचीनी डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इनको मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। अब मैंने जो प्याज काजू का पेस्ट पीस कर तैयार किया था उसको मैं इसमें डाल दूँगी और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज काजू का पेस्ट यहाँ पर अब थोड़ा सा भून गया है तो अब इस समय पर मैं यहाँ पर मसाले ऐड करूँगी। 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इन सबको मैं इसमें डालकर अच्छे से भून लूँगी। इसी समय पर मैंने यहाँ पर ये 1 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने ऐसे बीच से कट कर लिया है, इनको भी मैं इसमें डालकर भून लूँगी। ये अब अच्छे से भून गए हैं तो अब मैंने यहाँ पर ये दही लिया है, इन दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, इनको मैं इसमें डालकर अच्छे से भूनूंगी। दही डालने के बाद मैं इनको लगातार चलाऊंगी, एक बार भी आप इनको छोड़िएगा नहीं, नहीं तो आपकी जो ग्रेवी है वो फट जाएगी, इसलिए आप इनको लगातार चलाते हुए भूनिएगा। ये अब अच्छे से भून गए हैं तो अब मैंने यहाँ पर ये कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें मैं ये थोड़ा सा दूध डालकर इनको अच्छे से घोल लूँगी और फिर इनको मैं इसमें डाल दूँगी और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ ही मैं इसमें थोड़ा दूध और डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप दूध डाल दिया है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर कर धीमी आंच पर 1 मिनट तक और पका लेंगे। यहाँ पर हमें एकदम थिक ग्रेवी चाहिए तो उसी हिसाब से आप इसमें दूध डालिएगा। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून शक्कर और नमक डाल रही हूँ, इन दोनों को मैं इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ग्रेवी हमारी पककर तैयार हो गई है तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। जब आपको सर्व करना हो तभी आप प्लेटिंग कीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि आपकी ग्रेवी जो है वो एकदम गर्म होनी चाहिए और आप इसे सर्व करने के 5 मिनट पहले इस तरीके से प्लेटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बोल में ग्रेवी को नीचे रख दिया है और इनके ऊपर अब मैं एक एक करके कोफ्ता को रख दूँगी और वापस से हम इनके ऊपर ग्रेवी को डाल देंगे। ग्रेवी डालने के बाद मैं इनके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ी से पनीर को ग्रेट करके डाल रही हूँ। तो देखिए, हमारे ये स्वादिष्ट कोफ्ता अब एकदम तैयार हो गए हैं। इसे आप रोटी, नान, पराठा
किसी के भी साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप एक बार इन कोफ्तों को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।